हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल के कुछ टाइप के सवाल। आपके एग्जाम में पूछे भी बहुत जाते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत सारा समय लगाते हैं इन सवालों को कैलकुलेट करने में, और बहुत सारे बच्चे इन सवालों को समझ ही नहीं पाते कि कैसे करना है। कुछ एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इनको पढ़िए। जैसे लिखा हुआ, दो प्रतिच्छेदित वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। भाई, दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं और कह रहा है इनकी उभयनिष्ठ जीवा, इसकी लंबाई दे रखी है। कह रहा है दोनों का व्यास दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। इस तरीके का सवाल है। इसी तरीके से और भी अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं। देखो, यहाँ पे कह रहा है दो संकेंद्री वृत्तों में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। अलग अलग तरीके से यही सवाल पूछा जाता है, लेकिन सभी सवालों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद सवालों को सॉल्व करेंगे फटाफट। ये सारे सवाल आप देखोगे विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है। देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन 5 सेकंड से ज्यादा आपको किसी भी सवाल को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, धैर्य रख के देखिएगा, और एक बार अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो फिर दोबारा कभी इस तरीके का सवाल आपको फंसेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को हम लोग फटाफट। हम लोग ये जो भी सवाल है ये सारे सर्कल से रिलेटेड है। तो सर्कल का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको पढ़ा देता हूं और इसको आप याद रखना, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास में कोई इस तरीके से सर्कल है और इसमें हमारे पास में कोई एक जीवा है और हमारे पास में यहाँ पे केंद्र है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डालेंगे, केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो लंब को दो बराबर भागों में बांटेगा। पहली कंडीशन, केंद्र से यहां पर मिला देंगे तो ये हमारा रेडियस के बराबर हो जाता है। या हम इसको उल्टी तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी जीवा के, ये हमारा जीवा है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये हमारा क्या है, केंद्र, अगर हम इसको केंद्र से मिला देंगे, किसको, जीवा के मध्य बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी इस पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। चाहे हम इसे लंब डालें तो दो बराबर भागों में बटेगा, या मध्य बिंदु को केंद्र से मिला दें तो भी ये हमारा इस पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर से ये क्या बनेगा भाई, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको पहले ही पीछे एक क्लास में बता रखा है, समकोण त्रिभुज के लिए हमें क्या याद रखने होते हैं, ट्रिपलेट्स याद रखने होते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप समकोण त्रिभुज में अगर मान लो कोई भी दो साइड मालूम है तो तीसरी साइड आप आसानी से निकाल सकते हो। और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका इसी में यह रहता है कि जैसे कि जैसे कोई भी हमारी क्या है, ये एक सर्कल है, ये हमारा क्या है, केंद्र। मान लो मैंने कोई एक स्पर्श रेखा खींची, यहां से मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो अगर मैं ये जो केंद्र है इसको स्पर्श बिंदु से मिलाऊं, किससे मिलाऊंगा, स्पर्श बिंदु से मिलाऊंगा, तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। मान लो यहां पे किसी भी पॉइंट से इसको इससे मिला देंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहां पे भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा और हमें ट्रिपलेट का यूज करना पड़ेगा। एक इसी में और कॉन्सेप्ट हमको याद रहना चाहिए कि जैसे अगर मैं बात करूं इस तरीके से, दो सर्कल एक दूसरे को अगर इस तरीके से काटते हैं तो ये जो होती है, अगर मैं यहां से इसको मिलाऊंगा तो इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा। इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ जीवा, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। इस केस में भी अगर मैं दो केंद्रों को, दो, इसका केंद्र यहां पर, इसका केंद्र यहां पर, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो उसी तरीके से जैसा मैंने अभी आपको पहली प्रॉपर्टी बताई, ये क्या करेगा कि इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। केंद्र को केंद्र से मिलाया है तो ये जो जीवा है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, और प्लस ये 90 डिग्री का होगा। अगर मैंने यहां पे रेडियस मिलाया और यहां पे रेडियस मिलाया तो ये भी 90, एक समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा, और जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बन जाएगा, जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बन जाएगा। तो आप देख रहे होगे, चाहे आपकी ये कंडीशन हो, चाहे आपकी ये कंडीशन हो, चाहे आपकी ये कंडीशन हो, तीनों कंडीशन में हमारा क्या बनना है, समकोण त्रिभुज। तो हमारी जो प्रॉपर्टी लगेगी क्या लगेगी, समकोण त्रिभुज। और हमें ट्रिपलेट याद रहने चाहिए, अगर हमें ट्रिपलेट याद है तो हम बहुत आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, हमें सवालों के थ्रू ही समझना पड़ेगा कि हम कैसे फटाफट सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे फटाफट के सवाल में कैसे, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और उनको हम लोग किस तरीके से हल करते हैं। एक वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है तथा केंद्र एवं जीवा के बीच लंब की दूरी 3 सेंटीमीटर है।
जब भी जीवा की लंबाई दे हमेशा आप उसको आधा कर लो, दिमाग में आधा कर लो। आधा कर लिया कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है जीवा के बीच लंब, सॉरी, तथा केंद्र एवं जीवा के बीच लंब दूरी 3 सेंटीमीटर। कह रहा है केंद्र एवं जीवा के बीच की लंबवत दूरी, मतलब केंद्र से जीवा पर क्या डाला गया, लंब डाला गया। ये हमारा सर्कल है, ये हमारी जीवा है, केंद्र से कह रहा है जीवा पर लंब डाला है, तो ये कह रहा है 3 है, ये हमारा 8 है, मैंने क्या बोला आधा मान लो, ये हमारा क्या हो जाएगा 4, और यहां से इसको मिला दो, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 5। सवाल में क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। वैसे आपके दिमाग में देखो तुरंत आना चाहिए, मैंने क्या बोला ये 8 है तो 8 का आधा 4, 4 और 3 ट्रिपलेट से क्या बनेगा 3 4 5, आंसर क्या टिक कर दिया 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ गए, सवाल को हल करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रिपलेट दिमाग में बनाओ और फटाक से आंसर लिखो और आगे बढ़ जाओ। और सवाल करते हैं भाई, जितने भी सवाल होंगे आप देखोगे सारे सवालों में हमारा ट्रिपलेट यूज हो जाएगा। बहुत कम ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं, कभी कदर इक्का दुक्का सवाल आते हैं जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर वाला लगाना पड़े, बाकी सारे ट्रिपलेट से ही हमारे हल हो जाते हैं। रेलवे के एग्जाम में तो नहीं आते, एसएससी के एग्जाम में कई बार आ भी जाते हैं जिसमें पाइथागोरस लगाना पड़ता है, नहीं रेलवे के एग्जाम में तो कभी नहीं आते, सब में ट्रिपलेट लगे जाते हैं। जैसे ये सवाल दिया, कह रहा है ए बी 8 सेंटीमीटर तथा सी डी 6 सेंटीमीटर किसी वृत्त के केंद्र के एक ही और 2 समांतर जीवा है, इसको आधा कर दो 4 हो गया, इसको आधा कर दो 3 हो गया। कह रहा है उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, 3 4 5, ट्रिपलेट 5 आएगा, आंसर हमारा 5 है। अब देखो समझ लेते हैं, इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं। जैसे ये हमारा केंद्र है, अब एक जीवा की बात नहीं कर रहा, दो जीवा की बात कर रहा है, तो एक जीवा हमारी ऐसी हो सकती है और एक जीवा ऐसी हो सकती है, या एक जीवा इस तरफ हो सकती है और दूसरी जीवा इस तरफ हो सकती है। तो देखो क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी होगी और यहां से यहां तक की दूरी होगी। जैसे मैंने बोला कि दोनों जीवा एक इस तरफ एक उस तरफ है, तो मान लो इसको यहां से उठा के मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, यहां पे, ये दोनों जीवा एक ही तरफ हो गई और ये दोनों जीवा क्या हो गई, अलग अलग तरफ हो गई। मान लो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये ए है, कितनी डिस्टेंस, ये ए है, मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है, ये बी है। अच्छा अगर मैं इसी जीवा को, ये जीवा को अगर इस तरफ करूं, तो हमेशा याद रखना कि जैसे अगर कोई जीवा है इसकी लंबाई L है और एक और जीवा है इसकी भी लंबाई L है, तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा ये अगर H रहेगा, तो यहां से भी डिस्टेंस निकालूंगा ये क्या रहेगा, H रहेगा। कहने का मतलब अगर जीवा की लंबाई बराबर है तो केंद्र से दूरी भी हमेशा क्या रहेगी, बराबर। अब चाहे जीवा यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे कैसे भी रहे, ठीक है। अब अगर मेरी बात को ध्यान से समझोगे, अगर मैंने इसको उठा के यहां से यहां रख दिया, तो केंद्र से यहां तक की दूरी बी थी, तो केंद्र से यहां तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगर इस तरीके के सवाल में पूछा जाए कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालो, तो देखो इस जीवा और इस जीवा के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस आ जाएगी बी माइनस ए, और अगर इन और इनके बीच की दूरी की बात करें तो क्या आ जाएगा, बी प्लस ए, बी प्लस ए आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो हमें क्या करना होता है कि हमेशा जीवा को आधा करो, 4 और 3, अगर इनको जोड़ दोगे तो एक डिस्टेंस आ जाएगी, अगर इनको घटा दोगे तो एक डिस्टेंस आ जाएगी। जैसे इस सवाल में हमको कह रहा था कि दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि वो दोनों एक ही तरफ है। देखो हमने 4 और 3 किया और मिलाया तो हमारा क्या बनना है, दोनों के बीच की दूरी 1। अब चलो आपको समझा देता हूं, इस फिगर में हमेशा याद रखना एक बी प्लस ए बनेगा, एक बी माइनस ए, बी माइनस ए कब बनेगा, जब दोनों एक ही तरफ होंगे, और बी प्लस ए कब बनेगा, जब एक नीचे और एक ऊपर होंगे। हमेशा जीवा को आधा करो, उनको घटा दोगे तो एक दूरी मिलेगी और उनको जोड़ दोगे तो एक दूरी मिलेगी। जैसे इस सवाल में हमें कह रहा है कि एक ही तरफ है, कह रहा है एक 8 है और एक 6 है, तो 8 बड़ी होगी तो ऊपर है, 6 छोटी होगी तो नीचे है। अब यहां से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो लंब हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब ये भी आपके रेडियस के बराबर है। अब दूसरा वाला मैं इधर मिलाता हूं, यहां से भी इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये इस पे लंब हो जाएगा और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। ये हमारा 3 है। अब देखो एक 3 है एक 4 है, तो आप इन्हीं दोनों को यूज करके ट्रिपलेट बनाओ ना, 3 4 5, तो हमारा कॉमन क्या होना चाहिए, रेडियस कॉमन होना चाहिए, तो 3 4 5, 5 यहां पे भी आ गया, 5 यहां पे भी आ गया। अब ये 5 है ये 4 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3। अगर ये 3 है ये 5 है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी यहां से लेके यहां तक ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो 4 ये है 3 ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 1। सवाल के हिसाब से भी तो ये कह रहा है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1, तो बन गया ना। तो आपको एग्जाम में इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट आधा करो, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 3 4 5 ट्रिपलेट बनेगा, 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूरी पूछा जाएगा तो घटा के आधा कर दो या जोड़, सॉरी घटा दो या जोड़ दो, लेकिन दूरी सवाल में ऑलरेडी दे रखा है, तो ट्रिपलेट बना के त्रिज्या निकाल लेनी है, ठीक है।
त्रिज्या हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी, हमेशा याद रखना है त्रिज्या हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि भाई ये हमेशा क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। और सवाल देखते हैं भाई, कह रहे हैं दो समांतर 8 सेंटीमीटर वाले जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें जिस वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। अब व्यास दे रखा है तो रेडियस निकाल ली 5 और 8 का आधा कर दिया, कितना हो गया 4। अब हमें मालूम है 4 और 5 तो ट्रिपलेट से हमारा दूसरा कितना बनेगा 3, लेकिन ये 3 हमारी क्या होती है, आधी दूरी होती है। जैसे 8 का आधा किया 4, तो ये जो 3 बनेगा क्या बनेगा, आधी दूरी। अगर पूरी दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 3×2=6 सेंटीमीटर। वैसे ये जीवा की लंबाई नहीं पूछा गया है, कह रहा है 8 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं। भाई 8 सेंटीमीटर की दो जीवा है तो एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, ठीक। और इधर से दूरी निकालोगे, देखो ये क्या हो गया 4, ये सवाल के हिसाब से हो गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 3। इसी तरह से ये 5 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 3 और 3 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस यही तो क्या, 3 और 3 को जोड़ दिया, 6 आ गया। बट फिगर बनाने की जरूरत नहीं, हम मन में ही हल कर सकते थे। बोलो बात क्लियर हो गई। और सवाल लेते हैं, और सवाल में देखो यही कॉन्सेप्ट हम लोग ला सकते हैं। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दो समांतर जीवाएं, 30 का आधा हो गया 15, 16 का आधा हो गया 8, 8 15 17 बन गया ट्रिपलेट, तुरंत बन गया। अब क्या कह रहा है, लंबाई की खींची गई जो केंद्र के एक ही तरफ है, तो कह रहा है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताओ। अगर केंद्र के एक ही तरफ है तो मैंने क्या बोला, इनका अंतर निकालो, 15 में से 8 गया, कितना आंसर आ जाएगा 7। कितना देर लगा, 2-3 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। अगर यहीं पर बोल दिया जाता कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो आप क्या करते, 15 और 8 जोड़ देते, कितना आ जाता, 23 आ जाता। ये विपरीत के लिए हो गया, ये एक तरफ के लिए हो गया। मान लो अगर सवाल में ये दिया होता कि दोनों के बीच की दूरी इतनी है और आपको अगर निकालना होता कि रेडियस कितना है, तो बस वो भी निकाल सकते थे फटाफट, आधा करके ट्रिपलेट तुरंत बना लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और सवाल करते हैं। कह रहा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 30 सेंटीमीटर है तो आधा कर दिया, त्रिज्या हमारी 15 हो गई। दो समांतर जीवा है, यदि एक जीवा की लंबाई 24 है, आधा कर दिया कितना हो गया, 12 हो गया, तथा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है, तब दूसरी जीवा की लंबाई, भाई ये हमारा कर्ण हो गया, ये एक भुजा हो गई, तो दूसरी भुजा हमारी कितनी होगी, 9, 12, 15 ट्रिपलेट से। और हमें क्या करना है भाई, ये हमारा व्यास था तो आधा किया त्रिज्या, इससे मतलब नहीं, ये जीवा का आधा है तो ये भी जीवा का क्या है, आधा, इसका डबल कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरी जीवा की लंबाई आ जाएगी। अच्छा, अगर हमें क्या करना है कि देखो दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या करते हैं, जीवा के आधे लंबाई को जोड़ते हैं, 12, 9, 21 सवाल में देखो दिया, यही तो दिया है ना, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी, 21 है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। नहीं भी दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, जीवा अगर आप सॉरी अगर रेडियस आपका 15 है, और एक जीवा की लंबाई आपको ऑलरेडी दे रखी कितनी है, 24 है, तो 24 जीवा की लंबाई रेडियस से मतलब अगर बहुत ज्यादा दूर होगी तो निकाल ही लोगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अगर 9 है तो दोनों के बीच की दूरी भाई, ये पूरी रेडियस 15 हो गई, ये डिस्टेंस 9 हो गई, और अगर 21 डिस्टेंस लेना है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, तो दूसरी जीवा इधर तो खींचोगे नहीं, एक जीवा यहां, एक जीवा यहां, एक जीवा इधर खींचोगे, एक जीवा इधर खींचोगे, तभी तो 21 आएगा, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। वैसे इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आप सीधे सीधे बनाओगे, हर सवाल में आप देखोगे आपका ट्रिपलेट बन जाएगा और आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं ए बी तथा सी डी इस प्रकार है कि ए बी 10 है और सी डी 24 है, आधा कर दिया कितना हो गया 5, इसका भी आधा कर दिया कितना हो गया 12। यदि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हो तो उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। भाई इन दोनों को जोड़ो, 12, 5 कितना आ गया, 17 आ गया, देखो यही आ गया। तो हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी, कैसे बनेगा, 5, 12, 13 ट्रिपलेट लगा दो, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। जीवाओं के आधे आधे और त्रिज्या के बीच में ट्रिपलेट लगता है, जीवा का आधा और त्रिज्या, इसके बीच में ट्रिपलेट बनता है, तो जीवा का आधा 5 और ट्रिपलेट बनाया तो हमारा 13 सेंटीमीटर क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। कितना समय लग रहा है, आप देख रहे हो, सवाल पढ़ो आंसर निकाल दो, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो जीवाएं ए बी तथा ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तथा बी ए सी कोण 90 डिग्री है। अब यहां पे देखो थोड़ा अलग तरीके से दिया, एक जीवा ए बी और एक जीवा ए सी है, और कह रहा है बी ए सी 90 है, मतलब इस तरीके से बनाने के लिए बोल रहा है कि दोनों जीवाएं आपस में लंबवत है, यहां से एक जीवा इधर खींची है और यहां से एक जीवा इधर खींची, आपस में लंबवत है, कैसे हैं, लंबवत है, और ये पॉइंट कॉमन है, एक ही हो गया ए बी और ये हो गया ए सी।
कह रहा है एक हमारा 8 है, एक हमारा 6 है, तो हमें कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बतानी। फिर से भाई इसका आधा करो 3 आ गया, इसका आधा करो 4 आ गया, और आपको मालूम है 3 4 ट्रिपलेट क्या बनेगा 5। अगर यहां से इसको मिलाएंगे तो ये हो गया 4 और ये हमारा हो गया रेडियस। यहां से इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा रेडियस। तो भाई 3 4 4 रेडियस और एक और नंबर बचा, 3 रेडियस और एक नंबर और बचा। तो भाई हमको मालूम है एक ही ट्रिपलेट ऐसा है जिसमें ये कॉमन होना चाहिए, कर्ण हमारा कॉमन होना चाहिए, तो 3 और 4 दोनों ट्रिपलेट में बनना चाहिए। 3 4 5 एक ही ट्रिपलेट है, तो यहां 4 है तो यहां 3 हो जाएगा, यहां 3 है यहां 5 है तो यहां पे क्या आ जाएगा 4। मान लो अगर इस केंद्र से इस वाले जीवा के बीच की दूरी पूछता तो ये 3 हो जाता और ये सॉरी ये 4 हो जाता और ये 3 हो जाता। बोलो बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया आंसर क्या आ जाएगा भाई, रेडियस निकालनी है 5 सेंटीमीटर। तुरंत आप देख रहे हो सवाल किसी भी तरीके से, कॉन्सेप्ट हमारा एक ही लग रहा है और हम सारे सवाल में ट्रिपलेट ही यूज कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनका केंद्र एक ही हो। अगर केंद्र एक ही है तो जैसे क्या है, यहां से ये रेडियस का एक सर्कल बनाया और यही केंद्र है तो दूसरे रेडियस का एक सर्कल बनाया, ये हमारे क्या होते हैं संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। कह रहा है यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे बनती है, फिगर भी दिमाग में हमेशा याद रखना, सवाल का टाइप याद रखो फिगर याद रखो, इस तरीके से ये फिगर बनेगा। कह रहा है इस पे ये स्पर्श रेखा हो गई और इसकी क्या हो गई, बड़े वाले के लिए जीवा हो गई और छोटे वाले के लिए क्या हो गई स्पर्श रेखा हो गई। ये केंद्र है, अगर इसको स्पर्श रेखा, ये हमारा रेडियस हो गया, स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे तो ये क्या होता है 90 डिग्री बनता है। और केंद्र से भाई बड़े वाले सर्कल के लिए देखो, केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालेंगे तो 2 बराबर भागों में बांट देगा। छोटे वाले के लिए ये हमारी स्पर्श रेखा थी तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया। बड़े वाले सर्कल के लिए केंद्र है, ये जीवा है, लंब डाला है तो बराबर बराबर हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, यहां से इसको मिला दो बस। कह रहा है दोनों वृत्त की त्रिज्या दे रखी, भाई ये एक छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये एक बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये कह रहा है 9 है, ये कह रहा है 15 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट लगा दो 12। अगर ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12, 12 और 12 कितना आ जाएगा आंसर 24 सेंटीमीटर। कितना समय लगा, मुश्किल से 4-5 सेकंड। अगर पहली बार भी लगा रहे हो तो फिगर बनाने में 2-4 सेकंड और, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ रखा है, आपने इस सवाल को देख रखा है, तो तुरंत आपका फिगर बनेगा, तुरंत आपका आंसर निकलेगा। बोलो बात क्लियर होगी, और सवाल करते हैं। कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो जीवा की लंबाई देखो, एक 5 है एक 3 है, तो ट्रिपलेट से हमारा क्या आएगा 4, ये लेकिन 4 क्या आएगा जीवा की आधी लंबाई, उसको क्या कर दिया डबल कर दिया, 4 × 8 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगा सकते थे, हमको मालूम है ये 9 है ये 15 है, तो जो जीवा की आधी लंबाई निकलेगी कितनी लिखनी हुई 12 9 12 15, और इसमें क्या कर दिया 2 का गुणा कर दिया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो 1 सेकंड 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं दो प्रतिच्छेदित वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, हमेशा जीवा का क्या करते हैं आधा कर दिया। यदि दोनों वृत्तों के केंद्र 30 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, 30 ये व्यास है तो रेडियस कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 13, इसके साथ भी 12 लेना है और इसके साथ भी 12 लेना है, तो भाई ट्रिपलेट में अगर देखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ट्रिपलेट में अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कह रहे तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी या तो इनका सम होना चाहिए या तो इनका अंदर, 9 5 कितना आ जाएगा 14 14 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलो भाई मैं फिगर बना के भी दिखा देता हूं, एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है, ये जो उभयनिष्ठ जीवा है एक केंद्र यहां पर है एक केंद्र यहां पर है, इस तरीके से मिला दिया। मैंने क्या बताया ये दोनों बराबर बराबर होंगे और ये इस पे क्या होगा 90, ये मिला दिया ये रेडियस, मान लो ये बड़ा वाला सर्कल है ये छोटा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है 15, इसकी रेडियस कितनी है 13। कह रहा है जीवा हमारा 24 है तो अगर आधा आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो ये 15 है ये 12 है तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ये 13 है ये 12 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, 9 और 5 जोड़ दिया तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर बन गया ना भाई, हम लोगों ने ऐसे भी लिख के कर लिया फटाफट। तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि भाई आप पूरा फिगर बनाओ फिर आंसर निकाल के आंसर लिखो, अगर आपने टाइप देख रखा है सवाल पढ़ रखा है तो फटाफट कैलकुलेशन करो आंसर टिक करो आगे बढ़ो अगले सवाल की तरफ। चलो एक सवाल और देखते हैं, दो समान त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। भाई इस केस में कह रहा है दोनों की रेडियस हमारी क्या है बराबर,
अगर रेडियस बराबर है तो भाई ये भी 5 के बराबर हो जाएगा, ये भी 5 के बराबर हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। और कह रहा है जो उभयनि जीवा है, यहां पर ए है और यहां पर बी है, पूरे की लंबाई कितनी 8, तो आधा कर दिया कितना हो गया 4, 5 4 और ट्रिपलेट से ये भी 3, ये भी 3, 3 और 3 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो हम लोगों ने चाहे आपके एक जीवा का सवाल हो, चाहे आपके दो जीवा का सवाल हो, चाहे आपके स्पर्श रेखा और जीवा का सवाल हो, सब में हम लोग क्या लगा रहे हैं ट्रिपलेट और फटाफट हम लोग आंसर को निकाल दे रहे हैं। और हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं जीवा को आधा कर रहे हैं, जीवा को आधा कर रहे हैं। तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जीवा को आधा करो या जब कैलकुलेट करोगे तो जीवा का आधा निकलेगा, उसका क्या करना है दोगुना करना। तो उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आप इन्हीं सवालों को अपने से भी ट्राई करना, पहले एक बार आप मेरे तरीके से सारे सवाल पढ़ लेना, सीख लेना, फिर खुद से ट्राई करना। और एग्जाम का कोई भी सवाल आपको मिले, कोई भी सवाल मिले, आप उसमें लगा के देखना, हर बार आपका आंसर सही मैच करेगा, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की वीडियो आपको चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी और इसकी मैंने एक सीरीज बना रखी है, अगर किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसकी सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।